इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान पर कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। चिंता की बात यह है कि अब कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया है और बहुत तेजी से स्प्रेड भी हो रहा है। इसी बीच दो दिन के बाद जो राहत की खबर सामने आई है वो कोरोना मीटर के रूप में है। एक बार फिर से जिस तरीके से कोरोना मीटर की बात करें तो देश में कोरोना मीटर में कमी थोड़ी दर्ज जरूर की गई है और जो मृतकों का आंकड़ा है वो जरूर बढ़ा है। 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि जो एक्टिव केस 24 घंटे में सामने आए हैं वो 3,48,000 हैं, यानी कि पॉजिटिव केस। हालांकि बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि रिकवरी रेट जो है वो काफी ठीक हुआ है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है उन मामलों में ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना का ऑल इंडिया मीटर आज क्या फिगर दिखा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह कि जो मौत का आंकड़ा है 24 घंटे का वो डरा रहा है, क्योंकि 4,205 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस 37,04,99 हो गए हैं। कोरोना को लेकर अब एक बहुत बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको गांव-गांव कोरोना के फैलते पांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आलम यह है कि देश के 13 राज्यों में शहरों से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली स्थिति है वो गांव की है, जैसा हम आपको बता भी रहे हैं। और इसी सिलसिले में आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं आबादी वाले जो राज्य है यूपी, वहां के गांव से सामने आ रहे हैं। यहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लोगों का हाल बेहाल है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बुलंदशहर के गांव में 1.5 महीने में 28 मौतें हो चुकी हैं। गाजीपुर के सौरम गांव में कोरोना जैसे लक्षण से 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बलिया की बात करें तो बलिया में रोज 150 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में 1 महीने में 70 मौतें हो चुकी हैं। सोनभद्र में भी रोज बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। गाजीपुर के गंगा घाटों में 24 से ज्यादा सड़े गले शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के गांव में कोरोना के केस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। टीचर्स यूनियन का दावा तो यहां तक है कि 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत अब तक हो चुकी है। और इन सब के बीच यूपी के गांव में जो रफ्तार है मौत की वो बेहद डरावनी है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में 1 हफ्ते में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के गांव में किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार चुका है और क्या हालात यहां पर सामने आ रहे हैं। टीचर्स यूनियन ने दावा किया है कि 700 से ज्यादा शिक्षकों की अब तक मौत हो चुकी है। रायबरेली के सुल्तानपुर में 1 हफ्ते में 17 लोगों ने अपनी कोरोना के कारण जान गंवाई है। और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद रघुवंशी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रायबरेली एम्स के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे सबसे पहले यह समझना चाहूंगी कि कोरोना के मामले अब शहर में नहीं बल्कि गांव में ज्यादा अटैक कर रहे हैं, इसका कारण आप प्रमुखतः क्या देखते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि जो लोग शहरों में काम करते हैं वो गांवों में वापस जा रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरे कारण ये है कि गांवों में पहले फेज में कोरोना नहीं पहुंचा था, ऑलमोस्ट था ही नहीं। इस बार एक तो चुनाव की जो रैलियां हुई गांवों में, बहुत सारे लोग आए, उसकी वजह से भी कोरोना फैलने में थोड़ी सी मदद मिली है। क्योंकि गांव में कोरोना नहीं फैलना चाहिए था, क्योंकि गांवों में कोरोना को कंट्रोल करना शहरों के वनस्पत बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो काफी खराब हैं। मतलब वहां पे ना हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा है, ना सर्विलेंस की सुविधा है, और ना मरीज को दाखिल करके उसको इलाज करने की सुविधा है। तो इस हिसाब से जो कोरोना गांवों में फैला हुआ बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, जैसा आपने अभी अपनी खबरों में बताया कहां पे खोल ये कोरोना जी, इसमें स्थिति ज्यादा जटिल हो सकती है और है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है,
गांवों में लोग रहते हैं, इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, और इसलिए कोरोना फैलने की रफ्तार जो है ज्यादा तेज हो सकती है। जी डॉक्टर अरविंद, आपने चार प्रमुख कारण बताए। मैं पहला कारण आपने बताया कि शहरों से लोग गांव आ रहे हैं, दूसरा कारण आपने पंचायत चुनाव बताया, तीसरा कारण आपने बताया कि गांव में जो अस्पताल हैं वहां सुविधा का अभाव है, और चौथा कारण आपने ये बताया कि जो कोविड बिहेवियर है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तीसरे कारण पर मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहूंगी कि जो गांव में मेडिकल सुविधाओं की कमी की आप बात कर रहे हैं, अगर ये कमी नहीं होती तो क्या और ज्यादा मामले सामने आते? क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो इतने आंकड़े सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। एक टेस्ट एक कारण है कि आपने टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए कम लग रहा है, पर उसको अगर मृत्यु दर के साथ जोड़ा जाए तो मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जैसे आपने खुद ही बताया कि गाजीपुर इतने ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके टेस्ट नहीं हुए, जिनके कोई इलाज नहीं हुआ, जिनकी कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई जरूरी नहीं आरटीपीसीआर करना या एंटीजन टेस्ट करना, इवन क्लिनिकल सिम्टम्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो भी उनके डॉक्टरों ने देखे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों का बहुत अभाव है, इवन गांवों में तो जाते ही नहीं, और जाते हैं तो वो इस सिचुएशन में काम करना ही नहीं चाहते। पिछली वेव में गांव सबसे सुरक्षित माने जा रहे थे, और इस वेव में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है या खतरा है वो गांव में ही सामने आ रहा है। ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक करें, कोविड बिहेवियर के बारे में उन्हें कैसे बताएं? डॉक्टर अरविंद, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी किया है कि उन्होंने टीमें बनाई है, जी 1,41,000 के करीब टीमें हैं जो कि 92,000 लगभग गांवों में जाएंगी, मरीज को देखेंगी भी, टेस्ट भी करेंगी, उसको इलाज भी करने की कोशिश करेंगी, और उनको कोरोना से कैसे बचा जाए ये भी बताएंगी। और इसमें बचा जाना बहुत जरूरी है, जैसे मास्क पहनना, सिंपल दूरी बना के रखना, साथ साथ एक जगह में ना रहना, घर में वेंटिलेशन होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी। और इससे हम बचने का एक और उपाय जो है वो वैक्सीनेशन, अगर हम वो कर पाते हैं तो गांव की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे कि हमने गांवों में हमने कई बीमारियां कंट्रोल की, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल पॉक्स, गांवों में गए, हर एक मरीज को देखा, अगर वो बीमार था तो उसको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद जो स्वस्थ लोग थे उनको टीकाकरण किया। जी सेम चीज हमने सफलता पाई है पोलियो में, कि हम घर घर गए, उनको टीका लगाया, गांव में भी जाके हर एक घर में पूछा कि आपको कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, अगर है तो उसको टीका दिया, और इसको हमने बड़ी रेगुलर तरीके से किया। ऐसा ही हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, हर एक जगह जाके तो गांव वाले हो सकता है हमारे पास ना है, शहरों में बहुत वेल टू डू जो होंगे वो आ जाएंगे, गरीब लोग जो हैं गांव में उनके पास हमें जाना पड़ेगा, चाहे हम उनके घर घर जाएं। अच्छा डॉक्टर अरविंद, एक बात और बताइए, जिन टीमों का आप जिक्र कर रहे हैं क्या उनका गठन कर लिया गया है, क्या वो एक्टिवली गांव में लोगों के बीच जाके उन्हें कोविड बिहेवियर के बारे में समझा रही हैं, वैक्सीनेशन हाँ, की महत्वता के बारे में बता रही हैं? ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है, इन टीमों का गठन कर दिया गया है और उन्हें आदेश दिए गए कि वो जाके गांवों में अपना काम शुरू करें। अगर वो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुआ, बाकी जो और कई प्रदेश हैं उनमें भी करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और जागरूक करना पड़ेगा, और ये जागरूकता हमें आपके माध्यम से, प्रिंट माध्यम से,
किसी भी तरीके से बिल्कुल बात वही है कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अरविंद आप हमारे साथ जुड़े, इन तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।